Hello everyone, welcome to e-coaching. So in this session, we are going to continue learning logical reasoning building blocks. I hope till now you have watched the video of directions and blood relations. And in this session, we are going to again look at one more building block of logical reasoning, that is coding, decoding. That's a very interesting chapter, right? Blood relations and directions, I had told you that they were the chapters you might be a little familiar with, right? But coding decoding might be a little new to you. So I hope that you will learn how to solve coding decoding questions after watching this video, right? So let's first try to understand what we will face in this chapter, right? So let me ask you, what is coding? Or what do we mean by coding? Many of you might be thinking that this is the same as the coding that we see in, you know, programming languages, C, C++, Java. Those are the coding languages, right? But no, here we do not mean those kind of languages. But yes, by coding, we mean encryption. Now you would say, what is encryption? Many of you might know what encryption means, but some of you might not know. So, right? So let me go into the basics. Encryption simply means changing the message, changing the original message. Okay, आप original message को change करते हो by encrypting it, right? आप लोगों को शायद पता होगा, जैसे कि WhatsApp जब आप use करते हो तो कई बार notification लिखा आता है कि all the messages are encrypted end to end, है ना? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि WhatsApp डेटाबेस जो सर्व सेव करता है अपने सर्वर्स में, वहां पर एनक्रिप्टेड डेटाबेस सेव होता है. दैट मींस आपके मैसेजेस WhatsApp रीड नहीं करता. ये बेसिकली वो लोग कहना चाहते हैं कि वी डू नॉट रीड योर मैसेजेस. एवरी मैसेज इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड एंड ओनली योर डिवाइस हैंडल्स दैट काइंड ऑफ एनक्रिप्शन. करेक्ट? सो एनक्रिप्शन का मतलब है चेंजिंग द ओरिजिनल मैसेज. बट देन यू शुड आस्क, व्हाई डू वी नीड टू चेंज? चेंज ही क्यों करना है? आप सीधा बोल दो ना जो बोलना है आपको. चेंज क्यों करना है? एनक्रिप्ट क्यों करना है? सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट. जैसे कि मान लीजिए कि आर्मी के एक ट्रूप को दूसरे ट्रूप को अपने लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या वो सीधा ऐसे व्हाट्सएप भेज देंगे कि हाँ भाई हम लोग इधर है और कल अटैक करने वाले हैं, यहीं से अटैक करने वाले हैं 4 बजे? अगर मान लो वो मैसेज लीक हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, डिवाइस हैक हो गया, बहुत सारे तरीके हैं ना, और वो इंपॉर्टेंट मैसेज था जो हैक हो गया, और अब क्या हो गया कि नाउ एनिमीज आर प्रिपेयर्ड फॉर योर अटैक. दे न्यू कि आपका अटैक होने वाला है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, है ना? ऐसा बहुत बहुत कॉमन है. आप लोगों ने अगर वर्ल्ड वॉर स्टोरीज सुनी है अगर आपने, सो आपको पता होगा कि इंटरसेप्टिंग ईच अदर्स मैसेजेस रिलेटेड टू द अटैक्स और द कोलैबोरेशन और मूवमेंट ऑफ लेट्स से आर्मी और मूवमेंट ऑफ द वेपन्स, ये बहुत ही कॉमन चीज थी इंटरसेप्टिंग ईच अदर्स मैसेजेस. फोन लाइन टैप कर लेना, या फिर कहीं पे कोई रिटर्न मैसेज भेजा जा रहा है तो उसको पकड़ लेना कहीं ना कहीं बीच में, है ना? व्हाई डू वी नीड? सो ऑब्वियसली पहला रीजन है सिक्योरिटी, कि भाई हम चाहते हैं कि हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं वही मैसेज पढ़ पाए. वी वॉन्ट दैट द ओनली इंटेंडेड रेसिपियंट इज एबल टू कैच द मैसेज, अंडरस्टैंड इट एंड देन रिस्पॉन्ड. We don't want other people to know what is the message. Security, right? So by security, I mean it could be the case of national security, right? So I'm talking about the security of the states. It could be privacy as well. कि मान लो कोई security threat नहीं है, but privacy is the concern. For example, मान लीजिए आप class के एक end पे बैठे हैं और class के दूसरे end पे आपका crush बैठा हुआ है या बैठी हुई है. आपको उसको एक मैसेज भेजना है, एंड देयर इज नो अदर वे टू सेंड द मैसेज. लेट्स से यू राइट अ लेटर. आई डोंट एनकरेज दैट यू डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप ऐसा करें, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू इमेजिन दिस. सो यू आर सेंडिंग अ मैसेज, और मैसेज में आपको लिखना है कि आज शाम को 7 बजे मूवीज पे चले कि नहीं चले, राइट? यू आर आस्किंग समवन आउट. और जिन लोगों को ये सब नहीं पसंद है, यू आर आस्किंग फॉर अ होमवर्क, चलिए मान लेते हैं. बट यू डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू रीड द मैसेज ना. मान लीजिए आप एक एंड पे हैं, दूसरे एंड पे आपका क्रश बैठा हुआ है,
आप इस मैसेज भेज रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग वो मैसेज पढ़ लेंगे और सब लोग थिएटर पे आपका वेट कर रहे होंगे कि हाँ ये चल रहा है ना। तो यू वॉन्ट प्राइवेसी, आप चाहते हो वंस अगेन कि नो वन एल्स रीड्स द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग अक्रॉस। सो वहां पर क्या कंसर्न बन जाता है? प्राइवेसी। ओके, व्हाट इज द अदर कंसर्न? व्हाई डू वी कोड? द अदर कंसर्न कुड बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। याद कीजिए अपना 10th और 12th का एग्जाम, आप लोगों को सेंटर के लिए एक कोड दिया होगा, इनफैक्ट आप लोगों का खुद का एक कोड दिया होगा, राइट? सो इट कुड बी लाइक योर सेंटर, सेंटर नंबर इज लेट्स से 03542, दिस इज द सेंटर नंबर, एंड वी नो दैट दिस कुड बी सम स्कूल। तो ये तो कोई सिक्योरिटी वाली चीज नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये लीक हो गया तो क्या हो जाएगा, या फिर ये कोई प्राइवेसी वाली चीज नहीं है। आपको बोला है कि लेट्स से 03542 इज द स्कूल कोड फॉर शारदा स्कूल। सो यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, यहां पर प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, पर कंसर्न ये है कि यार इतने सारे बच्चों को हम इतना बड़ा नाम क्यों लिखे, हम एक कोड असाइन कर देते हैं कि भैया ये जो स्कूल है फलाना फलाना एड्रेस पे है, इसका कोड है ये। तो अगर आपके हॉल टिकट नंबर, हॉल टिकट में ये नंबर लिखा हुआ है तो आपको शारदा स्कूल में जाना है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, राइट? आपका क्लास का आईडी, लेट्स से आपका क्लास था 10A, या बहुत सारे स्कूलों में ए बी सी डी हो जाता है, आपका क्लास है 10A, दैट्स ऑल्सो अ कोड, दैट्स अ कोड गिवन टू यू दैट यू बिलोंग टू 10A, अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग टू 10A, और उसका पर्पज सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं था बट ऑर्गेनाइजेशन था, कि भाई रोज सुबह आप स्कूल में और आप क्लूलेस ना हो कि भैया मुझे कौन से आज कौन सी क्लास जाना है, आपको पहले से ही बोल देगा भाई तू 10A का स्टूडेंट है, तेरे को 10A में आके बैठना है, करेक्ट? सो दैट्स द पर्पज इज ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो दीज कुड बी अ फ्यू ऑफ द पर्पज, आई एम नॉट सेइंग यही तीन पर्पज है, बहुत सारे अलग पर्पज हो सकते हैं, बट द पर्पज इज कुड बी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द पर्पज, है ना? सो ये हमने समझा कि भाई कोडिंग क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें जो कोडिंग करना है वो कैसा कैसा हो सकता है। सो चलिए कुछ कोड ट्राई करके ही देखते हैं, ओके? सो सेकंड इज हाउ डू वी कोड। एंड दिस आई एम डूइंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही सारे तरीके रियल लाइफ में यूज होते हैं, बिकॉज दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ये मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, राइट? ओके, तो सबसे पहले वी नीड एन ओरिजिनल मैसेज, ओके? तो लेट्स से ओरिजिनल मैसेज इज ई कोचिंग, दिस इज द ओरिजिनल मैसेज। मुझे किसी को ये मैसेज भेजना है कि ई कोचिंग, एंड नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द मैसेज, नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द मैसेज, हाउ डू आई चेंज इट, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू वी कोड? कौन से तरीके हैं मेरे पास चेंज करने के लिए? सबसे पहला तरीका जो आप सबके दिमाग में आए होगा, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। आप बोलोगे सर एक काम करो, आप लेटर्स को नंबर्स में असाइन कर दो, ओके? सो क्या है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई से ए इज 1, बी इज 2, ऐसा करते 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 जेड इज 26, ए इज 1, बी इज 2, जेड इज 26, और आप हर एक लेटर के नंबर्स ढूंढ लीजिए और उससे रिप्लेस कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है कोड और डिकोड करने का, बट इट्स स्टिल अ वैलिड पॉइंट ऑफ और अ वैलिड वे टू कोड। तो चलो कोई बात नहीं, ओके। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि ए का रैंक 1 है, बी का रैंक 2 है, जेड का ऐसे 26 होगा, लेकिन सडनली मैं आपको पूछूं कि टी का कितना होगा, टी, तो पता आप क्या करोगे? ए बी सी डी ई एफ जी पूरा अल्फाबेट्स लिखने बैठोगे आप। तो वो मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए यू कैन रिमेंबर दिस, you can remember this word e jot t. what is this? this is again a code. code for what? remembering few things. kya ye agar aap alphanumeric coding karte ho na, to iske hisab se e 5 number pe aayega, j 10 pe aayega, o 15 pe, t 20 pe, y 25 pe, aur iske aas paas ke number fir aap yaad kar sakte ho. जैसे कि अगर आपको इजॉर्टी मालूम है और मैं आपको सडनली पूछूं कि भैया x का रैंक क्या है, x, तो आपको मालूम है x y z, y अगर 25 है तो x कितना होगा, 24 ही होगा। अगर मैं आपको सडनली पूछूं u, तो आप बोलोगे s t u, t के बाद u आता है, u will be 21।
अगर मैं आपको पूछू के तो आप क्या बोले, जे के एल, के विल बी 11. सो यू डोंट हैव टू राइट द होल अल्फाबेट्स, जस्ट टू रिमेंबर फ्यू नंबर्स, है ना. आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप इजॉरिटी याद रख लेते हो तो. तो चलो इजॉरिटी याद करते हुए ई कोचिंग का कोड बनाते हैं. सो व्हाट विल बी द कोड. चलो ई मतलब 5, के मतलब 11, ओ मतलब 15, सी मतलब 3, एच मतलब एच आई जे, एच विल बी 8, आई विल बी 9, एन विल बी एम एन ओ, एन विल बी 14, G will be EFG 7. This is the code for E coaching in the alphanumeric code. है ना? अब ये तो हो गया code. इसको decode करने के लिए क्या करेंगे? So please understand, if there is a coding key, there has to be a decoding key. Coding key क्या थी? Alphabet को numeric में कर दो. Decoding क्या हो जाएगा? Numeric को alpha में कर दो. Simple. है ना? तो आपको code करना पता होना चाहिए, तो decode भी करना पता होना चाहिए. है ना, समझ में आ रहा है ये, राइट. सो दिस इज वन वे ऑफ कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग. ऐसे ही दूसरे आपको समझने होंगे, ट्राई करने होंगे कैसे कैसे कोड हम कर सकते हैं. दैट वाज फर्स्ट अल्फा न्यूमेरिक. दूसरा करते हैं, चलिए अगेन वेरी कॉमन, वेरी कॉमन इज शिफ्टिंग. शिफ्टिंग, आप लेटर्स को शिफ्ट कीजिए. जैसे कि अगर मैं कोडिंग की बोलता हूं +1, इसका मतलब है ई कोचिंग के सारे लेटर्स को राइट साइड शिफ्ट कर दो, है ना. चलो ई के बाद क्या आता है, तो ई एफ, तो ई बिकम्स एफ. सो पहले मैं एक काम करता हूं, ई कोचिंग भी लिख देता हूं, सो दैट आप रिलेट कर पाओगे. ये है ओरिजिनल मैसेज. कोड कैसे करेंगे, ई का बन जाएगा एफ, के एल, ओ पी, सी डी, एच आई, आई जे, एन ओ, जी एच आई एच, दैट इज द कोड. सो दिस इज द कोड फॉर ई कोचिंग. क्या किया हमने, सबको +1 कर दिया. अब डी कोडिंग की क्या बन जाएगी, -1. इसका मतलब सारे लेटर्स को, कोड के सारे लेटर को लेफ्ट साइड, एक साइड लेफ्ट साइड एक प्लेस शिफ्ट कर दीजिए, तो यही सेम चीज आपको मिल जाएगी ई कोचिंग वापस. यही सेम चीज ई कोचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना. क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? सो फर्स्ट वाज अल्फा न्यूमेरिक, सेकंड वाज शिफ्टिंग. नाउ शिफ्टिंग में क्या क्या और पॉसिबल है, सो लेट मी ऐड. हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल हमने +1 ट्राई किया, तो ऑब्वियसली +2, +3, +4, +5, ये सब भी पॉसिबल है. +2 आप दो प्लेस शिफ्ट कर दो. सिमिलरली प्लस अगर पॉसिबल है तो माइनस भी पॉसिबल है, -1, -2, -3, -4, ये सब भी पॉसिबल है, वाई नॉट, है ना. अल्टीमेटली शिफ्ट करने की बात है, है ना, अल्टीमेटली शिफ्ट करने की बात है. ये भी पॉसिबल है कि आप पहले लेटर को +1 कीजिए, दूसरे लेटर को +2 कीजिए, +3, +4, +5. तो इसका डिकोडिंग क्या बन जाएगा, इसको अगेन -1, -2, -3, -4, -5, करेक्ट. अल्टीमेटली आप ये समझो जो कोड है उसका रिवर्स डिकोड होना चाहिए, है ना. कोडिंग की जो है आपका, उसी का रिवर्स डिकोडिंग की भी होना चाहिए, करेक्ट है, ओके. तो दैट इज शिफ्टिंग. अगेन शिफ्टिंग कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, करेक्ट. बट यही सेम चीज जो बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है कि भैया शिफ्ट किया है, तो आपको पूरा पर्पस समझ में आ जाएगा. द थर्ड वन इज रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल ई कोचिंग है, आप इसके लेटर्स को रिवर्स कर दीजिए, तो जी एन आई एच सी ओ के ई, दिस is the changed message, है ना, रिवर्स कर दिया बस, that's it, we reversed it, right, okay. What else is possible? Miscellaneous. Miscellaneous का मतलब क्या है,
कि भाई ऐसे तरीके जो थोड़े से ऐसे हैं जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, वियर्ड स्ट्रेंज. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ई कोचिंग है. ओके नाउ मेरा कोडिंग की ऐसा है कि जहां पर मेरा कोडिंग की ऐसा है कि जो वॉवेल्स हैं उसको मैं प्लस वन कर रहा हूं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसको मैं माइनस वन कर रहा हूं. देखो ये थोड़ा वियर्ड हुआ ना, समझ में आया? जो वॉवेल्स है उसको प्लस वन, जो कॉन्सोनेंट्स है उसको माइनस वन. सो ई कोचिंग किस पे टर्न हो जाएगा? ई कोचिंग विल टर्न इनटू, चलिए पहले तो वॉवेल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए. ई इज अ वॉवेल, ओ इज अ वॉवेल, आई इज अ वॉवेल, ए ई आई ओ यू, है ना? वॉवेल्स को प्लस वन करना है तो एक ई के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ. K is a consonant, minus one. J K, so J. O is a vowel, M N O P. Vowels को आगे ले जाना है, consonant को पीछे. C को पीछे ले जाएंगे तो B. H को पीछे ले जाएंगे तो G H I, so G. I को आगे ले जाएंगे तो G H I J. N को पीछे ले जाएंगे तो M N O M. और G को पीछे ले जाएंगे तो E F G, तो F. This is the code. Decode करने के लिए क्या करेंगे? Same vowels को minus one, consonants को plus one. उल्टा कर देंगे बस. Similarly मान लो मुझे ऐसा करना है तो let's say जो alphabets odd places पे हैं, odd places मतलब पहला, तीसरा, fifth, seventh and so on, उसको मैं कर रहा हूँ plus two. और जो even places पे हैं उसको मैं कर रहा हूँ minus two. मेरी मर्जी ना, मुझे code करना है. That's my will. So odd places वालों को plus two, even places वालों को minus two. चलो ये करके देखते हैं. चलो पहले odd places, तो E O यही पे लिख देता हूँ. Let's say E coaching. Odd मतलब E O H N. उनको plus two. E F G. E का बन जाएगा G. O P Q. O का बन जाएगा Q. H I J, H का बन जाएगा J, N O P, इसका बन जाएगा P. ओके, जो even वाले हैं उनको minus two. ओके, H I J K, so K का बन जाएगा I, C का बन जाएगा A, A B C, H I, A B C D E F G H I, so I का बन जाएगा G. और G का बन जाएगा E F G, so E. This is the code. जिसके पास डिकोडिंग की है वही पता कर सकता है कि भैया मैसेज क्या है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रह जाओगे यार कहना क्या चाहते हैं, है ना? सो दिस इज द कोड. इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ओरिजिनल मैसेज, राइट? ओके, चलो ये तो समझ लिया कि कोड कैसे कैसे करते हैं, लेकिन एक टिपिकल क्वेश्चन कैसा होगा ये आपको बता देता हूं. अ टिपिकल क्वेश्चन, ओके, सो इट विल बी लाइक दिस क्वेश्चन. इफ ए बी सी इज कोडेड एज एक्स वाई जेड, then दो क्वेश्चन पॉसिबल है. क्वेश्चन वन, हाउ विल पी क्यू आर बी कोडेड, मतलब अगर एबीसी को कोड किया है एक्स वाई जेड में तो पी क्यू आर का कोड क्या होगा? दैट्स क्वेश्चन वन. क्वेश्चन टू, वॉट विल बी कोडेड एज STU. दूसरा वाला क्वेश्चन है कि अगर कोड STU है तो ओरिजिनल मैसेज क्या होगा? दैट्स इट, है ना? क्लियर है? सो इट्स लाइक दिस इज लेट्स से ओरिजिनल मैसेज एंड दिस इज कोड. एक पेयर आपको दिया होगा, ये होगा गिवन,
केस वन, ये देखे ये पूछा होगा, केस टू ये पूछा होगा और ये दिया होगा, दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट, है ना? दैट इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, राइट?